बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर ट्रीटमेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। जब वाटर पॉल्यूटेड हो जाए तो फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, वाटर बीमार पड़ जाता है और बीमार के लिए इलाज किया जाता है। सो वाटर को इनफैक्ट चार स्टेप्स में ट्रीट किया जाता है। वाटर का पूरा इलाज होता है और ये चार स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव किए जाते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड वो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर साइज 2000 एंगस्ट्रम से ऊपर हो। सस्पेंडेड सॉलिड्स फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव किए जाते हैं। दे आर लार्ज इनफ एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। सो वाटर को पहले स्टेप में फिल्टर किया जाता है और यूं हमें छुटकारा मिल जाता है पानी में मौजूद सस्पेंडेड पार्टिकल से। दूसरा स्टेप है कोलाइडर पार्टिकल्स को रिमूव करवाना। कोलाइडर पार्टिकल्स छोटे होते हैं, मॉलिक्यूलर साइज इस रेंज में होता है। और कोलाइडर पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी नजर नहीं आते, लेकिन उन्हें हम डिटेक्ट करते हैं टेंडन इफेक्ट्स, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो उसको कैसे वाटर से रिमूव करते हैं? यहां से जो हमें फिल्टर वाटर मिल जाता है उसमें कोगुलेटिंग एजेंट दैट इज एलम डाला जाता है। तो ये कोगुलेटिंग एजेंट एल्यूमिनियम सल्फेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कोगुलेटिंग एजेंट है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं इनमें मोलर रेशो होनी चाहिए 1:3। तो एल्यूमिनियम और ये हाइड्रोक्साइड आपस में मिलेंगे, ये सल्फेट और ये कैल्शियम आपस में मिलेंगे, इससे बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और इससे बनेगा कैल्शियम सल्फेट। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसका कलर होता है वाइट जेलटिनियस, जेली की तरह। और ये जब नीचे प्रेसिपिटेट होता है तो ये अपने ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स को भी बैठा देता है, यूं इसका साइज बढ़ जाता है। यहां से हमें जो फिल्टर पानी मिला, फिल्टर वाटर, ये फिल्ट्रेशन किस मकसद के लिए की गई? इन ऑर्डर टू रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड। तो जो फिल्टर पानी मिला उसमें हमने ये कोगुलेटिंग एजेंट एलम मिलाया। ये वो फिल्टर पानी है। सपोज और इस फिल्टर पानी में अगर हम एलम डाल देंगे तो ये नीचे प्रेसिपिटेट होगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अपने ऊपर कोलाइडल पार्टिकल्स भी बैठा देंगे।
यूं वाटर फ्री हो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल से, इसे फिर से फिल्टर किया जाता है, फिल्टर्ड अगेन, ताकि ये चीज रिमूव हो जाए और जो फिल्टर पानी हमें मिल जाता है अब ये दो किस्म के सॉलिड से फ्री है। कौन कौन से? सस्पेंडेड सॉलिड से फ्री है और कोलाइडल पार्टिकल से फ्री है। इसमें अंदर है डिजॉल्व सॉलिड, तो डिजॉल्व सॉलिड्स रिमूव किए जाते हैं आइदर बाई पासिंग दिस वॉटर, पासिंग दिस वॉटर थ्रू अ बेड ऑफ सेंड आर चारकोल, चारकोल कार्बन का एक शक्ल है। इस पानी को गुजारा जाता है सेंड से, रेत से या चारकोल से। तो ये सेंड या ये चारकोल पानी में मौजूद डिजॉल्व सॉलिड्स रिमूव करते हैं और यूं इससे पास हुआ पानी फ्री होता है फ्रॉम डिजॉल्व सॉलिड। ये था स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में डिजॉल्व सॉलिड्स रिमूव किए जाते हैं। किस चीज की मदद से? सेंड की मदद से या चारकोल की मदद से। और अब आखिरी स्टेप रहता है और वो है इस वाटर को क्लोरीनेट करवाना, इससे क्लोरीन पास करवाना या इससे ओजोन पास करवाना। ये दोनों जो हैं एंटीसेप्टिक हैं, पैथोजेन को खत्म करते हैं। बेस्ट वन दोनों में है ओजोन, लेकिन ओजोन बहुत ज्यादा महंगा है। तो क्लोरीन को पास करवाना इकोनॉमिकली फिजिबल होता है। देयरफॉर फोर्थ स्टेप में, इन स्टेप फोर the water is chlorinated, तो अगर क्लोरीन Cl2 वाटर से पास किया जाए ये बनाएगा HCl और HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोक्लोरस एसिड स्टेबल नहीं होता और ये ऑक्सीजन लॉस्ट करता है। तो क्लोरीन पास करने से इस पानी में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, पानी में टेस्ट आ जाता है। बुक में लिखा है दिस ऑक्सीजन इम्पार्ट टेस्ट। इनफैक्ट ये टेस्ट इस ऑक्सीजन की वजह से नहीं होती, बल्कि ये टेस्ट इस HCl की वजह से होती है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? अगर यहां पे कोई आठ डिजॉल्व सॉलिड बचा हो तो ये ऑक्सीजन उसे ऑक्सीडाइज करता है, उसे खत्म कर, और पानी में जो टेस्ट आता है उस टेस्ट की वजह ये ऑक्सीजन नहीं है बल्कि ये क्लोरीन है। आखिर में थोड़ा सा कैल्शियम और फ्लोराइड इस पानी में डाल दिया जाता है, कैल्शियम एंड फ्लोराइड,
और यूं ये वाटर कहलाता है मिनरल वाटर, लेकिन कैल्शियम और फ्लोराइड की कंट्रोल क्वांटिटी 8 करो। तो वाटर ट्रीटमेंट 4 स्टेप में होता है। कौन कौन से हैं वो 4 स्टेप? पहले स्टेप में सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव किए जाते हैं बाय फिल्ट्रेशन। दूसरे स्टेप में कोलाइडर पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं बाय कागुलेटिंग एजेंट। बतौरे कागुलेटिंग एजेंट एलम यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में मिक्स होके मिलके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये नीचे बैठ जाता है तो ये अपने ऊपर कोलाइडर पार्टिकल्स को बिठा देता है। फिर पानी को अगेन फिल्टर किया जाता है ताकि ये जो कोलाइडर पार्टिकल का बड़ा मास बना है ये रिमूव हो जाए। यू वाटर सस्पेंडेड और कोलाइडर पार्टिकल से फ्री हो जाएगा। इस वाटर में अब डिजॉल्व सॉलिड है तो डिजॉल्व सॉलिड रिमूव किए जाते हैं पानी को सेंट से पास करने से या चारकोल से पास करने से। जो पानी हमें मिल जाता है उसमें बस सिर्फ एक चीज की प्रोबेबिलिटी है और वो है पैथोजन की। तो पैथोजन को खत्म करने के लिए ओजोन या क्लोरीन पानी से पास किया जाता है। दोनों में बेस्ट वन ओजोन है लेकिन महंगा है तो इकोनॉमिकल है कि पानी से क्लोरीन को पास किया जाए। आखिर में ट्रीटेड वाटर में थोड़ा सा कैल्शियम और फ्लोराइड मिलाया जाता है। ये वाटर कहलाएगा मिनरल वाटर और इसी के साथ ही वाटर की ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन केमिस्ट्री। व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? तो ग्रीन केमिस्ट्री केमिस्ट्री का कोई ब्रांच नहीं है। रिमेंबर, ग्रीन केमिस्ट्री एक सोच है, एक थॉट है। इस सोच के मुताबिक परफॉर्म अ रिएक्शन इन सच अ वे टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम इट्स एडवर्स इफेक्ट। एक केमिकल रिएक्शन आप बेशक परफॉर्म करें पर इस तरीके से परफॉर्म करें कि उसके मुजिर असरात से एनवायरनमेंट महफूज रहे, एनवायरनमेंट को कुछ ना हो। इस सोच को, इस फिलॉसफी को ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री? अ फिलॉसफी ऑफ अ केमिकल रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। ये केमिकल रिसर्च यानी केमिस्ट और इंजीनियर का एक मुश्तरक सोच है जिसके मुताबिक मिनिमाइज द यूज एंड जनरेशन ऑफ हैजर्ड सब्सटेंसेस। यानी केमिकल रिएक्शन आप इस तरीके से परफॉर्म करें कि उसके मुज़िर असरात से एनवायरनमेंट महफूज रहे। ये बात कि एक केमिकल रिएक्शन हम इस तरीके से परफॉर्म करें कि इसके मुज़िर असरात से एनवायरनमेंट महफूज रहे, सबसे पहले एक अमेरिकन केमिस्ट ने कही जिसका नाम है पॉल अनेस्टा। ग्रीन केमिस्ट्री के गोल्स ये हैं, यानी हम एक रिएक्शन कैसे परफॉर्म करें कि उसके मुजिर असरात से एनवायरनमेंट महफूज रहे। डिवेलप प्रोसेसेस,
ऐसे प्रोसेस का इंतखाब करें, उसे डिवेलप करें, जिसकी बुनियाद रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर हो। यानी सपोज मैंने इथेनॉल बनाना है, इथेनॉल, तो इथेनॉल बनाया जाता है कई सारे तरीकों से। इथेनॉल वाइन शराब मैंने तैयार करवाना है तो इसके लिए रॉ मटेरियल ढेर सारे हैं। एक रॉ मटेरियल क्लोरोफॉर्म है और एक रॉ मटेरियल स्टार्च है। तो जो क्लोरोफॉर्म है उस क्लोरोफॉर्म को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स। क्लोरोफॉर्म आपके पास है, वो क्लोरोफॉर्म खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर आप इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो इथेनॉल प्रिपेयर करवाने के लिए आप रिन्यूएबल सोर्स से रॉ मटेरियल हासिल करें। इन स्टार्च रिन्यूएबल है। स्टार्च हम खेतों में उगा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वीट और इन द फॉर्म ऑफ पोटैटो और इन द फॉर्म ऑफ बार्ले। तो क्लोरोफॉर्म नॉन रिन्यूएबल सोर्स है रॉ मटेरियल का, जबकि स्टार्च रिन्यूएबल सोर्स है। तो जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोडक्ट डिवेलप करवाना हो, तैयार करवाना हो, उसका जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो रिन्यूएबल होना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल नहीं। दूसरा वो डिवेलप प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस डिवेलप करे जिससे कम हैजर्ड सब्सटेंसेस एनवायरमेंट को रिलीज हो, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सप्लोजन के चांसेस कम। आप एक रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन इतना फास्ट है कि जो सेटअप आपने बनाया है उसके पटने का खदशा ज्यादा है। तो जब वो कंटेनर पटेगा, उसमें मौजूद रॉ मटेरियल जहरीले हैं, वो एनवायरमेंट को रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस यूज न करें जिसमें एक्सप्लोजन के खतरात ज्यादा हो, जिससे हैजर्ड मटेरियल या केमिकल्स एनवायरमेंट में आ जाए। अच्छा, प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट डिवेलप करें जो कम टॉक्सिक हो। ऐसा प्रोडक्ट डिवेलप करें जिसकी टॉक्सिसिटी कम हो, और ऐसा प्रोडक्ट डिवेलप करें जो बायोडिग्रेडेबल हो। हाँ, सो देखें, तकरीबन 2-3 साल पहले मार्केट में जो शॉपर मिलते थे वो टॉक्सिक थे। आजकल जो मार्केट में शॉपर मिलते हैं वो कम टॉक्सिक है। तो वो पहला शॉपर टॉक्सिक था। शॉपर हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम जुज है। तो वो पहला 2-3 साल पहले जो शॉपर मिलते थे वो टॉक्सिक थे और बायोडिग्रेडेबल भी नहीं थे। आजकल मार्केट में जो शॉपर मिलते हैं वो कम टॉक्सिक हैं और बायोडिग्रेडेबल भी है। उसे आप धूप में 2-3 दिन के लिए रखें तो वो रेजा रेजा हो जाते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कम टॉक्सिक हो प्लस बायोडिग्रेडेबल भी हो। Look at this fifth goal. Fifth goal के मुताबिक एक प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर होता है उस टेम्परेचर को कम से कम करें।
यानी प्रोडक्ट आप लो टेम्परेचर पे प्रिपेयर करें। इससे क्या होगा, इससे कम पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट में जाएंगे और एनर्जी की बचत भी होगी। अच्छा, कैसे हम एक रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे परफॉर्म करें? बाय यूजिंग इंप्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। सपोज मैंने ईथीन का हाइड्रोजिनेशन करना है, तो ईथीन का हाइड्रोजिनेशन अगर मैं निकल की मौजूदगी में करूंगा तो इसके लिए 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रिक्वायर होगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन में प्लैटिनियम की मौजूदगी में करूं तो यही रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा। तो हम एक रिएक्शन के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे? बाय यूजिंग इंप्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। छठा गोल है ग्रीन केमिस्ट्री का, मिनिमाइज द यूज ऑफ परसिस्टेंट सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जो केमिकली स्टेबल हो, वो जब एनवायरमेंट में आते हैं लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो जब एनवायरमेंट में आते हैं ट्रोपोस्फेयर में आते हैं तो उनके ऊपर अटैक नहीं होता, वो परसिस्टेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहां पे जो केमिकल स्टेबल होगा ट्रोपोस्फेयर में वो उड़ता हुआ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर में वो फिर रिएक्टिव बन जाता है, ओजोन को खत्म करता है। नेक्स्ट गोल है जो सबसे इंपॉर्टेंट और वो है इंक्रीज परसेंट एटम इकोनॉमी ऑफ रिएक्शन। परसेंट एटम इकोनॉमी ऑफ रिएक्शन, इससे क्या मतलब है? परसेंट एटम इकोनॉमी यू कैलकुलेट करवाते हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय। इससे मुराद क्या है परसेंट एटम इकोनॉमी से? देखो, एक स्टील मिल है जिसमें आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे? उसके सल्फाइड ओर से, FeS से। इसे ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन और कोक के साथ, तो ये मिलके बनाते हैं ये चीजें SO2CO2, और यू हमें ये आयरन मिल जाता है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, मेन। और ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट गैसेस है। तो पहले सिर्फ इस आयरन को हासिल किया जाता था और ये बाकी दो गैसेस
एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते थे। यानी ये दो गैसें फजूल हैं, लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री फिलॉसफी के मुताबिक इनमें से कोई भी चीज फजूल नहीं है। इसी स्टील मिल के अंदर दो छोटे और यूनिट्स लगाए, एक यूनिट इसे प्रोसेस करेगा, इसे ऑक्सीडाइज करेगा और फिर पानी में डिजॉल्व करेगा और इसे सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करेगा। जबकि इसे पानी में डिजॉल्व करे और कार्बोनिक एसिड हासिल करे। अब एक ही कारखाने के अंदर आयरन भी तैयार हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी तैयार हो रहा है और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी, यानी पेप्सी सेवन अप एक ही कारखाने में, जो पहले सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता था, अब स्टील भी बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी बन रहा है और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी बन रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे कारखाने को इजाफी आमदनी मिलेगी, ये एक्स्ट्रा दो प्रोडक्ट और ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। यूं हमने इस रिएक्शन की परसेंट एटम इकोनॉमी को इंक्रीज करवाया, हमने इसे कारामद बनाया, इसको कारामद बनाया और इसे कारामद बनाया। तो इसे कहते हैं इंक्रीजिंग परसेंट एटम इकोनॉमी, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कोई भी प्रोडक्ट फजूल में नहीं गया, सबको हमने कारामद बनाया। इससे इंडस्ट्री को इजाफी पैसे मिलेंगे और ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलेगा।